हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएससी स्टडी विद नेहा। जैसा कि हमने एलसीएम टॉपिक कवर किया था, फिर मैंने उसमें कुछ एचसीएफ भी बताया था जब एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन का निकाल रहे थे हम, तो फर्दर मोर जगह पे भी हमें कई बार एचसीएफ निकालने की जरूरत पड़ती है। तो आज हम देखेंगे टॉपिक एचसीएफ को, स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बोला जाए 24 एंड 36 का एचसीएफ हमें बताना है, तो सबसे पहले वही करना होता है जैसे हमें एलसीएम में करना होता है। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से करके इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सो इनके फैक्टर्स निकालने का तरीका वही 24, 2, 12, 2, 6, 2 एंड 3, 3, 1, राइट। तो ये होता है 2 की पावर 3 इंटू में 3, ठीक है। इसके फैक्टर्स ये निकले हैं, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, हमें ज्यादा ईजी पड़ेगा बाद में कि 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 36 का निकालेंगे ऐसे ही प्राइम फैक्टर्स करके। 36 पहले ये जाएगा 2 से कितने पे जाएगा 18, फिर 2 से 9, 3, 3 एंड 3, 1, राइट। देखो इसके फैक्टर्स बन गए हैं ये हमारे पास, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। जब हमने एलसीएम निकाला था तो हमने एलसीएम में क्या किया था कि जितने भी नंबर आए हैं पहले वो लिख दिए थे और फिर हाईएस्ट पावर जिस नंबर की जिसमें भी थी वो उतारी थी, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखो उसमें क्या था, अगर मान लो कोई एक नंबर सिर्फ एक जगह पे भी आ रहा है तो वो भी हमें लिखना पड़ता था, लेकिन एचसीएफ में हमें ऐसा नहीं करना है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 आ जाता, यहाँ पे नहीं आता, तो उस 5 को हम नहीं लिखते, जबकि एलसीएम में हमें वो लिखना पड़ता था। यहाँ पर क्या करना होता है, जो दोनों में नंबर कॉमन है वही सिर्फ हमें एचसीएफ के ड्यूरिंग लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एचसीएफ निकाल रहे हैं जब हम, तो क्या करेंगे, देखो 2 दोनों में है तो 2 लिख देंगे, फिर 2 दोनों में है एक और 2 आएगा, फिर देखो अब एक 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं बना है इसका कॉमन, मतलब दोनों में कॉमन होने के लिए, तो अब इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब 3 देखो, एक बार 3 आ रहा है, ठीक है, तो एक बार 3 लिखेंगे। अब इस 3 का यहाँ पे नहीं बन रहा तो वो नहीं लिखेंगे, तो एचसीएफ के लिए हो जाएगा हमारा ये। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 4 3 12, ठीक है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 12। ये होता है एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। अब इसके देख लेते हैं हम ट्रिक, ताकि हमें सेकेंड्स में हम कोई भी एचसीएफ बहुत इजीली निकाल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो दिए गए हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स, क्या करते हैं, अब जैसे इन तीनों को हमें निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, देखो डिफरेंस देखना, एलसीएम निकालते वक्त हमने सबसे हाईएस्ट नंबर लिया था, यहाँ पे हमें लेना सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यानी 6। अगर ये 6 इन तीनों को डिवाइड कर रहा है तो ये ही हमारा हो जाएगा एचसीएफ। डिफरेंस ध्यान से नोटिस करना, एलसीएम के वक्त हमने लार्जेस्ट नंबर लिया था और वो अपने आप डिवाइड होना चाहिए था बाकी सारे नंबर से, यहाँ पे ये नंबर डिवाइड करना, ये डिवाइड करेगा बाकी नंबर्स को। फॉर एग्जांपल जैसे 24 को जब 6 से डिवाइड करेंगे हम तो ये जाएगा 4 पे, राइट, 4 पे जाएगा, यानी ये डिवाइड कर रहा है तो ये हो रहा है डिवाइड। 12 को भी करेगा 6 डिवाइड 2 पे, तो ये भी हो रहा है, तो जो हमारा 6 होगा वो इसका हमारा एचसीएफ होगा। क्या है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। जब कोई नंबर हमें दे रखे हैं तो उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है और अगर वो बाकी फॉर द सारे नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो अपने आप में उन सबका एचसीएफ होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अब अपनी ट्रिक नंबर 2। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, हमें नंबर दिया गया 8, 20, 24, 44। सबसे पहला क्राइटेरिया वही स्टेप नंबर 1, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को उठा लो, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 8, चेक करो वो बाकी तीनों, मतलब बाकी तीनों क्या फर्दर जितने भी नंबर दिए हैं उनको डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब ध्यान से देखो, क्या 20 को डिवाइड करेगा 8? नहीं करेगा, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, ध्यान से देखिएगा प्लीज, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। 24 को करेगा, 44 को नहीं करेगा। तो अब हमारी जो ट्रिक नंबर फर्स्ट थी वो तो लग नहीं सकती, यानी 8 अपने आप में इसका एचसीएफ नहीं होगा। तो अब क्या करना है, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन से या किसी भी तरीके से फैक्टर्स निकाल लेने हैं, ठीक है। फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर इसका निकलेगा 2, 4, 8, ठीक है, यही होते हैं इसके फैक्टर, ये इसी से कट सकता है ना, इसी से डिवाइड हो सकता है। तो इसको देखेंगे, इसके बाद इन फैक्टर्स में से देखेंगे जो फैक्टर इन बाकी सारे नंबर्स को डिवाइड कर देगा वो इसका एचसीएफ होगा। क्या 2 सबको डिवाइड कर देगा? हाँ कर देगा ना, ध्यान से देखो, ठीक है। और अब देखो 4 जो है वो भी सबको डिवाइड कर रहा है,
सबको डिवाइड करेगा ना, फोर से भी ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन एट से नहीं होंगे, यानी टू कर रहा है फोर कर रहा है, तो अब इसमें से HCF कौन सा होगा, होगा हमारा फोर। क्यों? क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, तो हाईएस्ट कॉमन इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है, फोर, तो HCF होगा इन चारों नंबर का फोर, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। ये थी हमारी ट्रिक नंबर टू, और इन्हीं दोनों ट्रिक्स के साथ हमारे किसी भी टाइप के किसी कितने भी नंबर्स का हम HCF बहुत इजीली और बहुत कम सेकंड्स में निकाल सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो आज अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।